अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे 30 जून इतवार को आने वाली जॉब्स के बारे में। 30 जून संडे को जितने भी डेली न्यूज़पेपर हैं उनमें जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, और आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी बड़ी तादाद में एड्स हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इसके अलावा एडमिशन अलर्ट्स, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ इस वीडियो में है। आपने कोई ऐड मिस नहीं करना है, कोई ना कोई ऐड आपके काम का हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर कोई ऐड आपके काम का है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर वीडियो को पास करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में ऐड्स हैं। अगर सबकी जो डिटेल है आपको दे दें तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो ऐड है ये आप देख सकते हैं, ये एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक कंपनी में NTS की तरफ से। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेश स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ मर्द हजरात वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। NTS की वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कंप्लीट जो डिटेल है वो आप इस ऐड में देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज है कामरा कैंट अटक में। इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस इस्लामाबाद। इसमें टीचिंग स्टाफ की ये जॉब्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें अकाउंटेंट और इसके अलावा ऑफिस बॉय, लाइब्रेरियन और लेक्चरर नर्सिंग है। इसकी कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं, 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये एक साउदर्न पंजाब कॉलेज है, इसमें आप देख सकते हैं टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं तौसा शरीफ में, और इसमें देख सकते हैं 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसमें हिस्ट्री की टीचर्स हैं और इसके अलावा लैब असिस्टेंट हैं और लेक्चरर्स और डिफरेंट इसमें ट्रेड्स पे पोस्ट हैं। कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, 7 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसमें प्रिंसिपल की टीचिंग पोजीशंस की जॉब्स हैं, इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्टिंग स्टाफ की इसमें जॉब्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सुपीरियर आप देख सकते हैं इसके जितने भी कैंपसेज हैं ऊपर देख सकते हैं, ये इसके कैंपसेज लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोध और काफ़ी सारे इसमें सिटीज़ मेंशन हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सिटी में ये कैंपस है इनका तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सिंध टेस्टिंग सर्विस, इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में पोस्ट हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 1000 भी वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं टेस्ट सेंटर सुपरवाइज़र की 50 सीटें हैं, तो आपने STS की वेबसाइट से इसका अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और 25 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है दी राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल उमरकोट, इसमें टीचिंग स्टाफ की ये जॉब्स हैं, ये आप देख सकते हैं, 7 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं, पीओ बॉक्स गवर्नमेंट पीओ बॉक्स है 9666। इसमें लेक्चरर्स और लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट की पोस्ट हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है ये पंजाब असम्बली की जॉब्स हैं, और ये ऐड आपको ब्लर नज़र आएगा लेकिन आप ये ऐड चेक कर सकते हैं। डेली द नेशन न्यूज़पेपर जो लाहौर का है उसमें ये ऐड आप चेक कर सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं ये आपको काफ़ी ब्लर नज़र आएगा लेकिन ये एक्चुअल जो ऐड है ये इसी तरह ही है, लेकिन आप जो डेली न्यूज़पेपर है द नेशन इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें ये ऐड आप चेक कर सकते हैं 30 जून का। तो इसमें ये ऐड है पंजाब वालों के लिए, जॉब्स हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये जॉब्स हैं और कैडेट कॉलेज पेट्रो और ये जामशोरो सिंध में, और इसमें बड़ी तादाद में जॉब्स हैं, और ये दी न्यूज़ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है कराची का उसमें ये ऐड आप चेक कर सकते हैं, और ये ब्लूड ऐड नज़र आएगा आपको, और 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, 10 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए जॉब्स हैं, ये आप देख सकते हैं, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें ऑटो कैड ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क की पोस्ट हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी मंगला कैंट में जॉब से LDC की पंजाब वाले 15 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं उकाड़ा कंटोनमेंट में पाकिस्तान आर्मी का एम्यूनिशन डिपो है उकाड़ा में, इसमें ये जॉब्स हैं, और उकाड़ा से रिहायशी अफराद जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है।
इसके बाद सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, और इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रेनी टेक्नीशियंस के लिए अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसकी तरफ से जो ट्रेनी टेक्नीशियन है नर्सिंग, डायलिसिस या रेडियोलॉजी, ओटी या लेबॉर्ट्री में, आप इस ये डिप्लोमा कर सकते हैं और 10 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आप देख सकते हैं बैरियर कॉलेज है कराची, इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं, 6 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में ये जॉब्स हैं बलूचिस्तान, इसमें चेक कर सकते हैं ये जॉब्स, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस साइड में मेंशन है, 25 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दी बैंक ऑफ खैबर में जॉब्स हैं, 14 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में ये जॉब्स हैं, और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, कंप्लीट एड आपके सामने है। इसके अलावा आप देख सकते हैं शहीद जुल्कारी भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जॉब्स हैं, लास्ट डेट 7 जुलाई है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लाड़काना कैंपस है। इसके बाद आप देख सकते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ, आप देख सकते हैं ट्रामा कराची, और इसमें जॉब्स हैं, और इसमें आप देख सकते हैं 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, कंप्लीट जो प्रोसीजर है इस साइड में मेंशन है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का ये कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है फैसल बेस कराची, इसमें टीचिंग जॉब्स हैं और टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं, 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान, इसमें ये जॉब्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं ओटीएस के थ्रू, और इसमें डायरेक्टर की, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और इसके अलावा असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर की ये जॉब्स हैं। ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, LLB, PhD और मास्टर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने OTS की वेबसाइट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म इसका डाउनलोड करना है और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये जॉब्स हैं पीपल स्टील मिल्स हैं, और इसमें आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव वगैरह की जॉब्स हैं, 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके बाद ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जॉब्स हैं, स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये एडमिशन्स ओपन है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू, और इसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन ओपन है, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कायद अजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन है, कम्प्लीट डिटेल जो है ये आप चेक कर सकते हैं। ये कंप्लीट ऐड है, काफ़ी लार्ज ऐड है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें एडमिशन्स ओपन है इस्लामाबाद में, 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये एडमिशन है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाकेंट, इसमें टेक्निकल कोर्सेज हैं, स्टडी कर सकते हैं आप, एडमिशन्स ये ओपन हैं। इसके अलावा वोमेन यूनिवर्सिटी मर्दान में एडमिशन्स ओपन है, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा PAF काइट है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसमें एडमिशन्स ओपन हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स है लाहौर, इसमें एडमिशन्स ओपन हैं। इसके अलावा जिना कॉलेज फॉर वुमेन पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इसमें जॉब्स सॉरी एडमिशन्स हैं, और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल जो है ये आपके सामने है। इसके बाद कैनरेड कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें शॉर्ट कोर्सेज हैं, 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है पेशावर, इसमें एडमिशन्स ओपन है, ये कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद माई यूनिवर्सिटी है मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ये एडमिशन्स ओपन हैं। इंडस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ओपन है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन्स ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद NED यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन्स ओपन है और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद, इसमें एडमिशन्स ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची कैंपस में, और इसमें आप लोग देख सकते हैं एडमिशन्स ओपन है, 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद वापडा की जॉब्स हैं, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप डिटेल इसकी लास्ट वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। ये भी वापडा की जॉब्स हैं, इस पर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप रिसेंट वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए जॉब्स हैं, ये 2 ऐड हैं, 2 पेजेस हैं, इस पर हम कंप्लीट वीडियो आज की डेट में बना चुके हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में जॉब्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप रिसेंट वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा ये आप दे सकते हैं, एयर ब्लू में मेडिकल स्टाफ के लिए जॉब्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, इसमें LHV और लेडी हेल्थ विजिटर्स और कम्युनिटी मिडवाइफरी के लिए एडमिशन ओपन हैं, और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें एडमिशन ओपन हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी है और इसमें एडमिशन ओपन है, वाह इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, और वाह कैंट में इसमें एडमिशन ओपन है। आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये मुजाहिद फोर्स की जॉब्स हैं, ये आज फिर ये री एड आया न्यूज़पेपर में, इस पर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, आप रिसेंट वीडियोस में चेक करें। लेकिन इस ऐड में जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को, वो आपसे एक प्रॉब्लम काफ़ी जो आपके क्वेश्चन है वो आपसे इसमें सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहली बात ये, आप क्वेश्चन करते हैं कि किस किस्म की फोर्स है। बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी की ही तरह है, सैलरी यूनिफॉर्म सब कुछ पाकिस्तान आर्मी की तरह है, और ये पाकिस्तान आर्मी की ही कॉप्स है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान आर्मी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है और इसकी डायरेक्ट आपको सेंटर जाना पड़ता है। दूसरी बात यह, आप क्वेश्चन करते हैं कि हम मतलब इसमें सेंटर जो मेंशन है, कोई कहता है सिंध से हम हैं तो हम कहाँ, आपकी जहाँ मर्जी, अगर आप सिंध से हैं तो पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से हैं तो सिंध में कोई सेंटर है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ से मर्जी हैं, जिस सेंटर में पहुँच सकते हैं आसानी से, उस सेंटर में आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह आप पंजाब से हों, सिंध से हों, KP के बलोचिस्तान से हों, जहाँ मर्जी से आप हों, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे सेंटर और डेट मेंशन है, उसी डेट को जाना है, जो नीचे डेट मेंशन है उसी डेट को आपने पहुंच जाना है, और इस पर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। अगर आपके सिंध में कोई सेंटर नहीं है तो आप पंजाब में टेस्ट दे सकते हैं, पंजाब में कोई सेंटर नहीं है तो आप KPK में टेस्ट दे सकते हैं, जहां आप आसानी से जिस सेंटर में पहुँच सकें, जो डेट नीचे दी हुई है, आप इस डेट को जाकर टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद ये लॉ ग्रेजुएट टेस्ट है, जिसमें टेस्ट है HSC की तरफ से, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। FWO में ये जॉब्स हैं, फ्रेंडली वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐड आप इनकी वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, और ये इंजीनियरिंग स्टाफ के लिए जॉब्स हैं, और इसमें आप दे सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस, और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और इनकी वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके बाद ये भी FWO की जॉब्स हैं, इस पर भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कंप्लीट ऐड आपके सामने है, 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ये एक अनाउंसमेंट है HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स हो गए हैं मैट्रिक के, और रिजल्ट सॉरी आ गए हैं मैट्रिक का, इसके बाद इंटर के भी, तो आप लोग एडमिशन लेंगे आगे स्टूडेंट्स जो हैं, तो ये कुछ अवेयर किए गए हैं स्टूडेंट्स को कि उन यूनिवर्सिटीज़ में, उन कोर्सेज़ में दाखिला लें जो अप्रूव्ड हों HEC की तरफ से। तो ये कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं, लाजमी आपने इसको रीड करना है अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आगे आप स्टडी करना चाहते हैं, तो ये जो ऐड है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कुल में ये जॉब्स हैं, ये इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये वापडा की जॉब्स हैं, इसमें हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद अलाइड स्कूल है रावलपिंडी में, इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं, 31 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसमें एडमिशन ओपन है इस्लामाबाद में, और कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। इसमें ये ऐड आपको दोबारा आ गया। इसके बाद ये आप देख सकते हैं फैसलाबाद कॉलेज ऑफ लॉ, इसमें एडमिशन ओपन है और सॉरी जॉब्स हैं, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर लॉ और गार्ड और ऑफिस बॉय की, 10 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर ऑफिस में ये जॉब्स हैं, 7 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जॉब्स हैं प्रोसेस सर्वर की, और इसकी कुल डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं रहनुमा NGO है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में जॉब्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। आर्मी पब्लिक स्कूल जमशोरो पेट्रो, इसमें देख सकते हैं टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं, सिंध 9 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फजाई इंटर कॉलेज क्वेटा में टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं APS आर्मी पब्लिक स्कूल सरगोधा कैंट में ये जॉब्स हैं, 10 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग स्टाफ की ये जॉब्स हैं। इसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल है मलीर कैंट कराची, इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं, 10 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हेडक्वार्टर FC कोर बलोचिस्तान, इसमें सिविलियंस की जॉब्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। इसके बाद आप देख सकते हैं फौजी फाउंडेशन, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फौजी फाउंडेशन स्कूल सिस्टम है सिंध में, इसमें हैदराबाद, कराची,
लाड़काना, मीरपुर खास, नवाब शाह और गुलाम कोट, गुलाम मोहम्मद, क्वेटा और इसके किस्म के जो इलाके हैं। यहाँ पे टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं फौजी फाउंडेशन में, और इसकी कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है ये 9 जुलाई है, और इसमें सब्जेक्ट्स आप दे सकते हैं कौन से सब्जेक्ट्स के लिए टीचिंग टीचर्स के लिए जॉब्स हैं। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर आर्ट्स और पाक स्टडी के लिए जॉब्स हैं। 9 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फौजी फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपने इसका जो अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और इसके साथ जो रेलिवेंट मटेरियल है आपने अटैच करके अप्लीकेशन सेंड कर देनी है। नीचे आपको एड्रेस नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने सेंड कर देनी है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी दे सकते हैं, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मददान में ये जॉब्स हैं, और इसमें आप दे सकते हैं यूडीसी, एलडीसी और डिफरेंट जॉब्स हैं इसमें। 15 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पीस कॉलेज है, इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं मददान में, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये आप दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है अटक, और इसमें ये जॉब्स हैं ये आप चेक कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर है, बजट एंड अकाउंट एग्जामिनर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, और इसकी कंप्लीट डिटेल आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और 13 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद कैडेट कॉलेज गोजरा में ये जॉब्स हैं टीचिंग स्टाफ की, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बलोचिस्तान, ये जॉब्स हैं बलोचिस्तान वालों के लिए, आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट है हयातबाद, पेशावर, फीमेल्स के लिए शॉर्ट कोर्सेज हैं। इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल, 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इसमें एडमिशन्स ओपन है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर एफ़ सी बलोचिस्तान, इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं एफ़ सी पब्लिक स्कूल के लिए। इसमें बलोचिस्तान के तमाम जो सिटीज़ हैं वो मेंशन हैं। 10 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा में लेक्चरर्स की जॉब्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जॉब्स हैं, कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं। यह वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बलोचिस्तान में जॉब्स हैं, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी लार्ज ऐड है, ये आप देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर थरपाकर, और इसमें मेडिकल ऑफिसर्स के लिए जॉब्स हैं, नर्सिस के लिए भी जॉब्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं के एम सी पे हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसमें 1000 से ज़्यादा सीट्स हैं। रिसेंट वीडियोस में आप चेक करें, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी लार्ज ऐड है, ये आप चेक कर सकते हैं। के पी के पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, और के पी के वालों के लिए मेल्स और फीमेल्स वालों के लिए जॉब्स हैं, तो इसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये शॉर्ट कोर्सेज हैं पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड, और इसमें आप देख सकते हैं कि पंजाब के रहायशी अफराद के लिए शॉर्ट कोर्सेज हैं, 1500 रुपये माहाना वजीफा है, मेल्स और फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए जॉब्स हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि जूनियर क्लर्क और डिफरेंट इसमें ऑफिसेज हैं वहाँ पे, ये जॉब्स हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर है पंजाब, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं पंजाब वालों के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर और डिफरेंट ट्रेड्स पे पोस्ट हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं डॉक्टर ए क्यू खान हॉस्पिटल ट्रस्ट है लाहौर में, इसमें जॉब्स हैं, कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, आप लोग 5 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पंजाब जॉब्स हैं पंजाब वालों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, ये आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर के लिए 30 पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, 15 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थरपाकर, ये इंग्लिश में ऐड है, हमने आपको उर्दू में दिखाया था, इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स है, इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में जॉब्स हैं रिसर्च असिस्टेंट की, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है सवात, इसमें जॉब्स हैं सवात वालों के लिए, इसमें कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं फजल हक कॉलेज है मरदान, इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट है केपीके, इसमें न्यूट्रिशन असिस्टेंट की जॉब्स हैं फीमेल्स के लिए, केपीके से जो बिलोंग करते हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एचएसएन कॉलेज लाहौर, इसमें टीचिंग स्टाफ की जॉब से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं मास ट्रांसिट कंपनी है, जॉब्स हैं केपीके गवर्नमेंट की तरफ से, और 11 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फजाइया इंटर कॉलेज है लोअर टोपा मरी, इसमें 1 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग स्टाफ के लिए जॉब्स हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कैडर कॉलेज उगाड़ा में, ये जॉब्स हैं, 15 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ जनरल एग्रीकल्चर पंजाब, इसमें जॉब्स हैं पंजाब वालों के लिए, कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।